ऊर्जा, सक्रियण ऊर्जा और आरण्यक थ्योरी। तो सबसे पहले देखेंगे हम लोग दहली ऊर्जा क्या है, ठीक है। दहली ऊर्जा क्या है, तो जैसे दहली ऊर्जा को हम कैसे समझ सकते हैं, थ्रेशोल्ड एनर्जी को, जैसे हम लोग रिएक्शन कराना है, क्या रिएक्शन कराना है, केमिकल रिएक्शन, ठीक है। जैसे सपोज मान लिया जो दो रिएक्टेंट है, ये रिएक्शन करके प्रोडक्ट बना रहे हैं, ठीक है। तो कोई भी केमिकल रिएक्शन तब तक नहीं हो सकता जब तक ये आपस में इनकी एनर्जी इतनी ना हो कि एक दूसरे से क्या सके, जुड़ सके, ठीक है। जब जुड़ेंगे तभी तो रिएक्शन होगा, और जुड़ने के लिए क्या चाहिए उनको, एनर्जी, ठीक है, एनर्जी चाहिए। अगर इनकी एनर्जी होगी तभी ये क्या करके जुड़ के क्या कर सकते, प्रोडक्ट बना सकते। जैसे देखो, जैसे हम चाय बनाते हैं, ठीक है, तो जैसे हम शक्कर डाले पानी में, उसके बाद चाय पत्ती डाले, तो अपने आप बन जाता है, नहीं बनता, उसको हमको एनर्जी देना पड़ता है। एनर्जी देना मतलब गर्म करते हैं, और जैसे गर्म करते हैं तो वो क्या प्रोडक्ट बन जाता है। तो वैसे ही किसी भी अगर कोई भी अभिकारक या रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल है, अगर उसको प्रोडक्ट बनाना है तो उसको क्या चाहिए, एनर्जी चाहिए। तो दहली ऊर्जा क्या है, अब जैसे कोई कोई मॉलिक्यूल है, ठीक है, जैसे ये मॉलिक्यूल है, तो इसकी एनर्जी होगी कुछ ना कुछ तो होगी, होगी कि नहीं, इसकी ग्राउंड स्टेट में या कुछ भी एनर्जी होगी। तो ये इसकी जो इसकी जितनी लोएस्ट एनर्जी या इसकी जितनी एनर्जी होगी, मतलब जो रिएक्शन करने के लिए, ठीक है, इसकी रिएक्शन करने के लिए जितनी एनर्जी होगी वो क्या कहलाएगी, थ्रेशोल्ड एनर्जी। मतलब क्या हो सकते हैं, किसी भी मॉलिक्यूल की, ठीक है, अभिक्रिया करने के लिए जितनी मिनिमम ऊर्जा होती है वो क्या कहलाती है, थ्रेशोल्ड एनर्जी। मतलब कोई भी अभिकारक के अणु तभी रिएक्शन करेंगे जब उसकी कुछ क्या होगी, एनर्जी, तो कितनी मात्रा में होगी, ठीक है, वही क्या कहलाता है, दहली ऊर्जा या थ्रेशोल्ड एनर्जी। मतलब क्या बोल सकते हैं, अणुओं की वह न्यूनतम ऊर्जा की मात्रा जो उसको रिएक्शन करने के लिए क्या होती है, आवश्यक होती है, वो क्या कहलाएगी, दहली ऊर्जा या थ्रेशोल्ड एनर्जी। जैसे मैं बताया, अगर इनकी कुछ एनर्जी ही नहीं रहेगी तो एक दूसरे से टकराएंगे नहीं तो कहां से प्रोडक्ट बनेगा। तो इसकी जितनी एनर्जी, इतनी एनर्जी कि वो टकरा सके, तो जितनी मिनिमम या न्यूनतम ऊर्जा होगी वही क्या कहलाएगी, दहली ऊर्जा, या अणुओं की वह न्यूनतम ऊर्जा जिसके द्वारा आपस में टकरा के क्या कर सके, वो रासायनिक अभिक्रिया कर सके, वो क्या कहलाती, दहली ऊर्जा या थ्रेशोल्ड ऊर्जा। समझ में आया परिभाषा, तो दहली ऊर्जा मतलब समझ गए, मतलब वो अणुओं की जो ऊर्जा होगी जिसके द्वारा वो क्या करेंगे, रिएक्शन कर सके, वो क्या कहला, दहली ऊर्जा। अब सेकेंड क्या है, एक्टिवेशन एनर्जी। अब एक्टिवेशन एनर्जी क्या है, ठीक है, तो एक्टिवेशन एनर्जी को अगर एक लाइन में देखोगे तो सक्रियण ऊर्जा, ठीक है, सक्रियण ऊर्जा मतलब एनर्जी बैरियर बोल सकते हैं, एनर्जी बैरियर। जैसे जैसे मान लो, हम इसको एक डायग्राम के थ्रू में समझा रहा हूं, जैसे एक तो एनर्जी है, ठीक है, अब ये रिएक्टेंट है, जैसे कोई रिएक्शन देता हूं मैं, जैसे H2 और I2 रिएक्शन करके क्या बना रहे हैं, 2HI, तो ये क्या है, रिएक्टेंट या अभिकारक, अरे क्या बना रहे हैं, प्रोडक्ट। तो ये H2 और I2 रिएक्शन करके HI बना रहे हैं, ठीक है, तो ये तब तक नहीं बनेंगे जब तक इसकी एनर्जी इतनी ना हो, जैसे इसके हम देखे इसकी जो थ्रेशोल्ड एनर्जी है, इसकी इतनी एनर्जी ना हो ये इसको एनर्जी बैरियर को क्या कर सके, पार कर सके। ये जो एनर्जी बैरियर है उसे क्या बोला जाता है, एक्टिवेशन एनर्जी। जैसे H2 अगर इसको हमने लिखे तो I2 क्या बना रहे हैं, प्रोडक्ट क्या बना रहे हैं लोग, 2HI, मतलब ये क्या है, रिएक्टेंट या अभिकारक हिंदी में, और क्या है, प्रोडक्ट उत्पाद, ठीक है, और ये क्या है, सक्रियण ऊर्जा। ठीक है, तो सक्रियण ऊर्जा को मैं
एक बार तुम लोगों को एग्जांपल से बताया था कि मान लिया जाए हमको, जैसे मान लिया जाए हम देखो, जैसे इसको ये बनाना है, ठीक है, ये बनाना है, तो इसके पास इतनी ऊर्जा होनी चाहिए कि इसका जो एनर्जी बैरियर है उसको क्या कर सके, पार कर सके। जैसे मान लो जो हमको, जैसे अभी यहीं का एग्जाम्पल ले कि हमको यहां से खोंदरा जाना है या कहीं जाना है, ठीक, यहाँ बीच में कहाँ पड़ता है पहाड़, तो हमको पहाड़ को पार करना पड़ेगा क्योंकि पहाड़ तो क्या है उस पार। अब हम चलते चलते क्या हो गए, थक गए, हमारी एनर्जी क्या हो गई, खत्म हो गई, तो हम वहीं रुक जाएंगे इतने, तो हम उस पार नहीं जा सकते। तो हमारा जाना या उद्देश्य या हमारा प्रोडक्ट क्या था, खोंदरा पहुंचना था कि नहीं, लेकिन हमारी एनर्जी अगर नहीं है तो हम पहाड़ को पार नहीं कर पाएंगे, पहाड़ को नहीं पार कर पाएंगे तो हम खोंदरा नहीं पहुंचेंगे, तो हमारा उत्पाद नहीं बना। तो अगर लेकिन हमारी एनर्जी इतनी ज्यादा है कि हम पहाड़ को क्या कर सकते हैं, पार कर सकते हैं, पहाड़ को पार कर सकते हैं, तो हम क्या बनाएंगे, उत्पाद बनाएंगे, तो हम खोंदरा पहुंच जाएंगे। खोंदरा पहुंच गया मतलब हमको जहां पहुंचना था, जो उत्पाद बनाना था, वो क्या हो गया, बन गया, समझे। तो उसी तरह ये सक्रिय ऊर्जा क्या है, एक तरह का एनर्जी बैरियर। कोई भी अभिकारक को अगर उत्पाद बनाना है तो उसके लिए एक मिनिमम क्या होता है, वो एनर्जी बैरियर, वही क्या कहलाता है, एक्टिवेशन एनर्जी, समझे। जैसे देखना, कोई भी अभिकारक किसी भी दूसरे अभिकारक के साथ रिएक्शन नहीं कर लेता, कोई स्पेसिफिक ही रहता है, मतलब जरूरी नहीं है कि किसी कोई किसी के से भी रिएक्शन दे। जैसे हम इसको अपने डेली लाइफ से भी देख सकते हैं कि जरूरी नहीं है कि हम हमारी दोस्ती सबसे हो जाए, होती है नहीं होती है, जो हमको अच्छा लगता है, जिससे हमारी एनर्जी मैच करती है, जिससे सोच मैच करती है, हम अल्टीमेटली जाकर हम उसी से दोस्ती करते हैं, होती है कि नहीं। ऐसे तो नहीं है कि क्लास में तुम सबसे एक समान दोस्ती है किसी की, नहीं है, क्योंकि जिससे हमारा अच्छा मैचिंग है, सोच मैच होगा, उसी से दोस्ती होती है, क्योंकि हमारा एनर्जी क्या होना करना चाहिए, मैच होना चाहिए, ठीक है। उसी तरह अगर हम कोई भी केमिकल प्रोडक्ट देखते हैं तो सब जरूरी है कि हम किसी को किसी से भी रिएक्शन करा दें। जैसे हाइड्रोजन आयोडीन के साथ रिएक्शन किया तो हम चाहते हैं कि हाइड्रोजन फ्लोरीन के साथ रिएक्शन करे, तो जरूरी नहीं है कि वो फ्लोरीन के साथ भी रिएक्शन कर ले, ठीक है, तो उसी के साथ रिएक्शन करेगा, जिससे वो रिएक्शन करके उसकी एनर्जी, हम थ्रेशोल्ड एनर्जी पढ़ गए, ठीक है। थ्रेशोल्ड एनर्जी मतलब उसकी एनर्जी इतना हो जाए कि वो क्या कर सके, उत्पाद बना सके या केमिकल रिएक्शन कर सके, ठीक है। तो अगर कोई मॉलिक्यूल है, ठीक है, मॉलिक्यूल है, तो उसको तब तक वो रिएक्शन नहीं करेगा जब तक उसके पास क्या हो सके, ऊर्जा किसके बराबर आ सके, दहली ऊर्जा के बराबर। तो दहली ऊर्जा मतलब उसकी इतनी मिनिमम ऊर्जा हो सके कि वो रासायनिक अभिक्रिया क्या कर सके, कर सके, ठीक है। तो एक्टिवेशन एनर्जी में बताया कि एक तरह क्या होता है एनर्जी बैरियर, इसको पार करना पड़ेगा ताकि वो दहली ऊर्जा के बराबर आ जाए और रिएक्शन क्या कर सके, रिएक्शन कर सके, ठीक है। तो ये क्या कहलाता है, एक्टिवेशन एनर्जी। तो अगर हम इसको अगर एक लाइन में लिखे, ठीक है, एक लाइन में अगर डेफिनेशन लिखे तो क्या लिख सकते हैं एक्टिवेशन एनर्जी के लिए, एक्टिवेशन या एनर्जी या सक्रिय ऊर्जा, ठीक है, बराबर थ्रेशोल्ड एनर्जी, थ्रेशोल्ड एनर्जी माइनस, ठीक है, ग्राउंड स्टेट लाइन में हम अगर इसको, ठीक है, एक इक्वेशन की तरह लिखना चाहे तो जो एक्टिवेशन एनर्जी होता है या सक्रियण ऊर्जा होता है वो क्या होता है, थ्रेशोल्ड एनर्जी माइनस ग्राउंड स्टेट एनर्जी ऑफ
मॉलिक्यूल या फिर काइनेटिक एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल। ठीक है, जो सक्रियण ऊर्जा होता है, सक्रियण जो ऊर्जा है वह देहली ऊर्जा माइनस, ठीक है, अणु की जितनी ऊर्जा है, अणु की ग्राउंड स्टेट या मूल अवस्था में ऊर्जा, इससे और एक परिभाषा हम ये निकाल सकते हैं इससे ये देखने से। अब सपोज देखो, पहले इसको समझो, अगर इसका हम लोग इस फॉर्मूला से अगर हम लोग थ्रेशोल्ड एनर्जी निकालना चाहे, ठीक है, तो थ्रेशोल्ड या दैनिक ऊर्जा बराबर क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा इसका मान निकालेंगे तो ये इधर आ जाएगा, बराबर किधर आ जाएगा कि नहीं, तो माइनस इधर जाएगा, क्या हो जाएगा, प्लस होगा कि नहीं, तो क्या लिख सकते हैं हम लोग, एक्टिवेशन एनर्जी प्लस ग्राउंड स्टेट एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल। तो इस परिभाषा से या इस इक्वेशन से तुम आसानी से समझ सकते हो कि दैहली ऊर्जा और एक्टिवेशन एनर्जी की मतलब क्या परिभाषा है या दोनों में क्या अंतर है। तो देखो, कोई भी केमिकल रिएक्शन कब करेगा, जब उसकी ऊर्जा दैहली ऊर्जा क्या हो जाए, बराबर आए, ठीक है, दैहली ऊर्जा के बराबर आए तभी वो रिएक्टेंट एक दूसरे से मतलब जुड़ के या टकरा के क्या करेंगे, प्रोडक्ट बनाएंगे। तो एक्टिवेशन एनर्जी क्या है, एक्टिवेशन एनर्जी एक तरह क्या है, एनर्जी बैरियर, मतलब किसी भी मॉलिक्यूल को एनर्जी क्या करना पड़ेगा, प्राप्त करना पड़ेगा, इतना प्राप्त करना पड़ेगा कि वो एनर्जी बैरियर को क्या कर सके, पार कर सके, मतलब किसके बराबर आ जाए, दैहली ऊर्जा के क्या आ जाए, बराबर आ जाए। क्योंकि देखो इसी का मतलब सक्रियण ऊर्जा और ग्राउंड स्टेट ऑफ मॉलिक्यूल, मतलब अणु की स्टार्टिंग में, ठीक है, स्टार्टिंग में कितनी ऊर्जा है, जैसे देखो स्टार्टिंग में हम लोग कोई मॉलिक्यूल लिए, ठीक है, स्टार्टिंग में उसकी ऊर्जा कितनी थी, 30, मान लो 30 किलो कैलोरी थी, ठीक, 30 किलो कैलोरी थी, ध्यान से समझना, और उसको रिएक्शन करना है, ठीक है, रिएक्शन करने के लिए उसको एनर्जी कितना चाहिए, 50 किलो कैलोरी, रिएक्शन करने के कितना चाहिए उसको, 50। अब इसकी तो 30 है, शुरू में कितनी थी, 30, तो अब इसको क्या करना पड़ेगा, 50 लाना पड़ेगा, मतलब उसको हमको गर्म करना पड़ेगा या जैसे भी उसको हम लोग एनर्जी देना पड़ेगा, मतलब उसको कौन दे रहा है, हम लोग एक्टिवेशन एनर्जी दे रहे हैं, उसको एक्टिव कर रहे हैं, नाम से क्लियर है, एक्टिवेशन मतलब उसको एक्टिव कर रहे हैं, सक्रिय कर रहे हैं, मतलब और ज्यादा उसका एनर्जी क्या कर रहे हैं, बढ़ा रहे हैं, ठीक है, ताकि वो 50 तक क्या कर सके, पहुंच सके, इसको हम लोग एक्टिवेशन एनर्जी दे रहे हैं गर्म करके या जैसे भी गर्म करके। अब देखो ये 50 हो गया, इसके बराबर आ गया, तो अब वो क्या करेगा, रिएक्शन करना शुरू कर देगा। तो दैहली ऊर्जा और एक्टिवेशन एनर्जी में अंतर समझ में आया, दैहली ऊर्जा मतलब इतनी ऊर्जा होनी चाहिए किसी भी मॉलिक्यूल के पास कि वो रिएक्शन क्या कर सके, ठीक है, टकरा के, और एक्टिवेशन एनर्जी क्या है, एक सक्रियण ऊर्जा, मतलब अणुओं को जो रिएक्शन कराने के लिए हमको जितनी एनर्जी देना पड़ता है, जैसे मैं बताया शुरू में एक है, ठीक है, ये रिएक्टेंट है, प्रोडक्ट है, अब इसको जितना एनर्जी हमको देना पड़ रहा है, इतना एनर्जी बैरियर है, तो ये एनर्जी बैरियर को पार करने के लिए जितनी एनर्जी चाहिए वही क्या है, एक्टिवेशन एनर्जी। समझे कि नहीं, दोनों चीज समझ में आया कि नहीं, एक्टिवेशन एनर्जी मतलब समझ जाओ, जैसे हम मैं चाय का एग्जांपल बताया, जैसे शुरू में पानी लिए या शक्कर लिए, स्टार्टिंग में उसकी थोड़ी सी तो एनर्जी थी होगी, तभी तो पानी में तुम अगर शक्कर डालोगे तो घुल जाता है, घुलता है कि नहीं, चाय पत्ती को भी डालोगे थोड़ा थोड़ा क्या हो लगता है, घुलने लगता है, क्योंकि स्टार्टिंग में उसकी थोड़ी सी एनर्जी थी, वो एनर्जी कौन सी है, ये जब तुम तो गर्म नहीं कर रहे तभी उसकी एनर्जी थी, ठीक ही नहीं, अब उसको जैसे जैसे तुम गर्म कर रहे हो मतलब कौन सा एनर्जी दे रहे हो, एक्टिवेशन एनर्जी, तो वो क्या हो गया, गर्म होने लगा और धीरे धीरे क्या बना लिया, प्रोडक्ट, उत्पाद,
तो वो है एक्टिवेशन एनर्जी, जितनी एनर्जी उनको हम देते हैं, और टेंशन एनर्जी मतलब जितने एनर्जी उसको चाहिए, ठीक है। तो ये है एक्टिवेशन एनर्जी और क्या है थ्रेशोल्ड एनर्जी। दोनों में अंतर समझ में आना चाहिए कि दोनों एक ही जैसे लगता है। क्लियर है इतना, समझे कि नहीं? हाँ। अब एक चीज बताओ, ये तो हम समझ गए एक्टिवेशन एनर्जी क्या है करके, अब हम कोई कैटलिस्ट यूज करेंगे, ठीक है, कैटलिस्ट या उत्प्रेरक। उत्प्रेरक का क्या काम होता है बताओ? ठीक है, तो अगर मान लिया जाए, अगर हमको ये रिएक्शन कोई केमिकल रिएक्शन को ले रहे हम लोग, ये इसकी एनर्जी है और ये इसकी रिएक्शन रेट है, ये इसकी रिएक्शन रेट है ये। तो अब मान लिया जाए इस रिएक्शन में हम लोग क्या कर रहे हैं, उत्प्रेरक मिला रहे हैं, ठीक है, उत्प्रेरक मिला रहे हैं। तो अब बताए एक्टिवेशन एनर्जी को ईए से दिखाते, किसे दिखाते हैं, ईए, ठीक है। तो अब बताओ अगर हम उत्प्रेरक किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में उत्प्रेरक या कैटलिस्ट डालेंगे तो वो एक्टिवेशन एनर्जी को बढ़ाएगा कि घटाएगा, क्या करेगा वो? अगर कोई रिएक्शन को फास्ट कर रहा है, जैसे मान लो पॉजिटिव कैटलिस्ट है, पॉजिटिव कैटलिस्ट का क्या काम होता है, रिएक्शन रेट को क्या करना है, बढ़ाना है, ठीक है। तो बताओ अगर कोई धनात्मक कैटलिस्ट डाल रहे हैं हम लोग तो वो एक्टिवेशन एनर्जी को बढ़ाएगा कि घटाएगा? बढ़ाएगा। भाई अगर तुम जैसे तुम सोचो, जैसे तुमको अगर पहाड़ चढ़ के जाना है, ये बताया मैं, जैसे मान लो ये कोई पहाड़ है, इस पहाड़ में चढ़ के जाना है, इसमें से तुम पार हो गए, ऐसे ऐसे जा रहे हो, इसमें से ऐसे ऐसे जा रहे हो, पार हो गए, तभी तुम इसके इस पार जा सकते हो। जैसे मैं बोला यहाँ जा रहा हो कोंद्रा, तो तुमको पहाड़ पार करना पड़ेगा, उतरोगे तभी तुम कोंद्रा पहुंचोगे, समझे? अब दूसरा रास्ता ये है जिसमें पहाड़ क्या हो गया, कम हो गया, उसका ढाल कम हो गया, छोटा पहाड़ है, अब तुमको यहाँ से यहाँ जाना है, तो किसमें पहले पहुंचोगे, कौन सा वाले में पहले पहुंचोगे? यही तो एक्टिवेशन एनर्जी है। तो कैसे बढ़ा देगा बोल रहे हो? हाँ, बढ़ाएगा तो रिएक्शन तो और स्लो होगा, होगा कि नहीं? भाई तुम बोल रहे हो बढ़ा देगा, अब मान लो ये यहाँ तो पहले ढाल, अब और ऐसे ऊंचा कर दिया तो और स्लो होगा, और टाइम लगेगा कि नहीं? जैसे मान लो ये इसी पहाड़ को देख रहे हो, कोंद्रा का जंगल में मान लो अगर तुम पर चढ़ो, आप उसको पहाड़ को और ऊंचा कर दे एकदम, तो तुमको और टाइम लगेगा कि नहीं? थक जाओगे, लेकिन थक जाओगे हो सकता है पार भी नहीं कर पाओगे। तो कैसे फिर बिना सोचे बढ़ा देगा बोल रहे हो? हाँ, तो अगर उत्प्रेरक या कैटलिस्ट रिएक्शन में मिलाएंगे तो अगर वो धनात्मक वाला होगा तो हमेशा एक्टिवेशन एनर्जी क्या करेगा, कम करेगा, कम करेगा, तभी तो रिएक्शन तुरंत हो जाएगा, क्योंकि ढाल जितना कम होगा तुरंत ये रिएक्टेंट थोड़ी सी एनर्जी मिलेगा, तुरंत प्रोडक्ट बना लेगा, ठीक है। तो याद रखना, ये कंपटीशन एग्जाम से मैं पूछता है कि एक रासायनिक अभिक्रिया दिए है, इसमें उत्प्रेरक मिला दिए, तो अब ये एक्टिवेशन एनर्जी में क्या परिवर्तन होगा, तो तुमको ऑप्शन दे देगा, बढ़ाएगा घटाएगा, किसी तरह का कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो क्या होगा, धनात्मक रहेगा तो क्या करेगा, घटा देगा, ऋणात्मक रहता तो बढ़ा देगा, ठीक है। तो ये है उत्प्रेरक की उपस्थिति में, ठीक है, सक्रिय ऊर्जा में क्या परिवर्तन होता है। अब जैसे दो तरह का हम केमिकल रिएक्शन देखते हैं, एक को क्या बोला जाता है, एक ग्राफ से देखो, एक ग्राफ से बताता हूं पहले इसको, ठीक है, ये है इसकी एनर्जी, ये है रिएक्शन रेट,
कंसेंट्रेट, ठीक है, ये रिएक्टेंट और ये क्या है सोडा, ये है इसका एक्टिवेशन एनर्जी। तो ये तब था जब हम लोग कैटलिस्ट नहीं मिलाए थे। अब जब कैटलिस्ट मिलाएंगे तो क्या होगा, काम हो जाएगा ये ऐसे। ठीक है, तो ये क्या है कैटलिस्ट, ये मतलब जब कैटलिस्ट होगा तब उसकी एक्टिवेशन एनर्जी इतनी कम हो जाएगी। ये तुमको ग्राफ के द्वारा क्लियरली पता रहना चाहिए कि जब कभी भी किसी भी केमिकल रिएक्शन में जब कभी उत्प्रेरक मिलाया जाता है, हम अभी कौन से उत्प्रेरक की बात कर रहे हैं, पॉजिटिव वाले धनात्मक जो रिएक्शन है तो क्या करता है बढ़ाता है, तो कभी भी वो हमेशा एक्टिवेशन एनर्जी क्या करेगा कम करेगा। समझ गए? Yes, तो इसके बाद दो तरह का, जैसे हम लोग हीट से ही बात कर रहे हैं तो दो तरह का देखेंगे और दोनों का ग्राफ एग्जाम में आता है तो इसको भी पता रहना चाहिए। एक को बोला जाता है एक्सोथर्मिक रिएक्शन और दूसरा क्या बोला जाता है एंडोथर्मिक, उष्मा क्षेपी और उष्मा अवशोषी। क्या होता है बताओ, उष्मा क्षेपी में क्या होता है और उष्मा अवशोषी में क्या होता है? एक्सोथर्मिक उष्मा क्षेपी, क्षेपी मतलब हीट बाहर निकलता है, ठीक है, और अवशोषी, अवशोषी से मतलब अवशोषण होता है, जिससे हीट को क्या किया जाता है अंदर लिया जाता है। इतना पता है तो अब इसका ग्राफ निकाल, ग्राफ बनाने बोलता है एग्जाम में, ठीक है, किसी भी उष्मा क्षेपी अभिक्रिया का सक्रिय ऊर्जा वाला ग्राफ बनाए। तो तुमको ये बताना है तेरे को कैसे ग्राफ बनाना है। ठीक है, इन दोनों ग्राफ में को देखो, पहले समझ लो उसके बाद बना लो। इसमें देखो ये रिएक्टेंट की एनर्जी है यहाँ तक, ठीक, एनर्जी का इधर ऊपर क्या बढ़ रहा है, रिएक्टेंट की एनर्जी यहाँ है और प्रोडक्ट की एनर्जी यहाँ है। किसकी एनर्जी ज्यादा है? प्रोडक्ट की। इसकी एनर्जी क्या है? ज्यादा है। और रिएक्टेंट की एनर्जी क्या है? कम। देखो यहीं तक है, इसकी एनर्जी यहाँ तक है पूरा, है कि नहीं? यस सर। तो रिएक्टेंट
की एनर्जी कम हो जा रही है, प्रोडक्ट की एनर्जी क्या होगी ज्यादा हो जा रही है, तो उसको एनर्जी क्या करना पड़ेगा, कम करना पड़ेगा, तो उस प्रोडक्ट की एनर्जी क्या हो जा रही है ज्यादा। तो इसीलिए एक्टोथर्मिक रिएक्शन में क्या होता है, एनर्जी क्या होता है बाहर निकलता है, या हीट क्या होगी बाहर निकलेगी। जैसे देखो ये रिएक्टेंट है ए और ये प्रोडक्ट क्या है बी, ठीक है, इसकी एनर्जी है 30 और इसकी एनर्जी क्या है 50, तो इसको भी 30 करना पड़ेगा, प्रोडक्ट को भी करना पड़ेगा कि नहीं, तो कितना हटाना पड़ेगा 20 हटाना पड़ेगा, मतलब उसको क्या कर रहा है बाहर निकाल रहा है, इसीलिए इसको क्या बोला जाता है एक्सोथर्मिक। और उसी तरह एंडोथर्मिक देखो, इधर रिएक्टेंट का क्या है ज्यादा और प्रोडक्ट का क्या हो गया कम हो गया, तो प्रोडक्ट के बराबर उसको क्या करना पड़ेगा एनर्जी लेना पड़ेगा, हीट लेना पड़ेगा, इसीलिए उसका क्या करेगा वो अब्जॉर्ब करेगा या उसका अवशोषण होगा। जैसे इसका जैसे एग्जांपल कर लो, ए है बी, रिएक्टेंट की एनर्जी देखो ज्यादा है मान लो 50 है और प्रोडक्ट कितनी हो गई 20, बराबर लाना पड़ेगा इसको, तो कितना अब्जॉर्ब करेगा 30, ठीक है, तो ये है दोनों का ग्राफ। तो हमेशा याद रखना एक्सोथर्मिक में रिएक्टेंट से ज्यादा किसका होगा प्रोडक्ट का, और एंडोथर्मिक में रिएक्टेंट से ज्यादा होगा प्रोडक्ट का क्या होगा। समझ गया ना इतना? अब बताओ एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक में दोनों में से किसमें जो प्रोडक्ट बनेगा ज्यादा स्टेबल रहेगा, तो दो प्रोडक्ट बन रहे हैं, एक एक्सोथर्मिक में और एक